बिहार में बेखौफ हो चुके बदमाशों में पुलिस और कानून का भय कम हो गया है। वो किसी की भी हत्या करने से कतरा नहीं रहे हैं। ताजा मामला समस्तीपुर का है, जहां अपराधियों ने रोसड़ा नगर परिषद के डिप्टी मेयर के पति की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। रोसड़ा नगर परिषद की डिप्टी मेयर बबीता देवी के पति अरुण महतो को अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। अरुण महतो खुद भी रोसड़ा नगर परिषद के डिप्टी मेयर रह चुके हैं। घटना उस वक्त हुई जब अरुण महतो रोसड़ा शहर स्थित अपने घर से किसी काम से पैदल ही जा रहे थे। तभी दुर्गा स्थान के पास चाय दुकान पर पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। स्थानीय लोगों द्वारा अरुण महतो को आनंद फानन में अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने शव के साथ हसनपुर समस्तीपुर मुख्य मार्ग को महावीर चौक के पास जाम कर दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि रोसड़ा शहर में शराब कारोबारी काफी सक्रिय हैं, जिसमें प्रशासन की भूमिका भी संदिग्ध है। मृतक लगातार शराब कारोबारी और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाते रहते थे, इसी कारण उनकी हत्या कर दी गई। समस्या क्या रहेगा, मेरे भाई को मार दिया। क्या नाम था? सुबह 8:30 बजे अरुण मारो तो नाम था भाई, क्या बड़ा भाई है हम संतोष कुमार मारो। वो पहले भी फेसबुक पर जो वायरल कर दिया था वीडियो की, यहाँ का स्कूटी, यहाँ का दमंग लोग है संजय सिंह, बबलू सिंह और कुछ ड्राइवर है थाना का जो मैनेज करता है चारों बगल। यहाँ सिर्फ दारू का बिक्री का पैसा उठाया जाता है, किसके साथ क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। अब बैसा चोर में जाकर देख लीजिए, 4 मर्डर हो गया सर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ये नीतीश कुमार कहाँ का है, तो जंगल राज बना दिया सर, गुंडा बसा दिया है, रोसड़ा थाना गुंडा का भर्ती है, यहाँ तो खड़ी गुंडागर्दी चल रहा है, बताइए क्या करें हम लोग। मृतक के परिजन सीएम नीतीश पर जंगल राज वापस लाने का आरोप लगा रहे हैं, साथ ही रोसड़ा थाना के पुलिस पर गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।